चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यातील एका नामांकित खासगी शाळेतील वसतिगृहातील मुलींवर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी 4 आरोपींना अटक केली होती. आता या प्रकरणी शाळेतील चौकीदाराला अटक करण्यात आली आहे. शाळेतील वसतिगृहातील विद्यार्थिनींपैकी 2 विद्यार्थिनी आजारी असल्यानं त्यांना राजुरा येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु त्यांची प्रकृती जास्तच खालवल्यानं त्यांना त्याच दिवशी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. याबाबत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांना माहिती मिळताच सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी राजेश धोटकर यांनी रुग्णालयात जाऊन तब्येतीची विचारपूस केली. त्यानंतर या मुलींवर अत्याचार झाल्याच्या संशयावरून सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी राजुरा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पंचनामा करण्यात आला व 4 आरोपींना अटक करण्यात आली. तसंच आज वसतिगृहातील चौकीदाराला सुद्धा अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात 5 आरोपींना अटक करण्यात आली असून या प्रकरणात आता महिला पोलीस उपनिरीक्षक यांचे 2 स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहेत. तसंच उपविभागीय पोलीस अधिकारी शेखर देशमुख यांच्या नेतृत्वात 19 सदस्यांचं पथक तयार करण्यात आलंय. याबाबत पोलीस अधीक्षकांनी अधिक माहिती दिली. राजुरा में एक प्रवेश स्कूल में पढ़ रहे 2 लड़कियों को राजुरा में तबीयत ठीक नहीं बोल के उसने एडमिट किए थे. उनको तबीयत वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो उसको चंद्रपुर में रेफर किए थे. चंद्रपुर में रेफर करने के बाद 2 दिन पीडियाट्रिशियन ने ट्रीट किया. उसके बाद उसको डाउट आने के बाद उसने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया. गायनेकोलॉजिस्ट ने टेस्ट करके उसको सस्पिशियस केस ऑफ सेक्सुअल असल्ट बोल के उसने रिपोर्ट दिया. रिपोर्ट देने के बाद उसने पीडियाट्रिशियन जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसने ट्रीटिंग डॉक्टर उसने रिपोर्ट उसको फॉरवर्ड किया. फॉरवर्ड करने के बाद ये लड़कियों को स्पॉन्सर कर रहे थे प्रोजेक्ट ऑफिसर. प्रोजेक्ट ऑफिसर ने 12 तारीख में पुलिस के पास रिपोर्ट दिया. पुलिस ने FIR दाखिल किया. FIR दाखिल करने के बाद अभी तक हमने 5 आरोपी का अरेस्ट किया. और बाद में जो लड़कियाँ इसी कंप्लेंट से आई है उनको भी हमने मेडिकल टेस्ट करवाया. अभी तक 7 लड़कियों का उसका सेक्सुअल अब्यूज़ बोल के उसने डॉक्टर का रिपोर्ट आई और रिपोर्ट हमने दाखिल किया और सब पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है और स्टेटमेंट और एविडेंस भी हम कलेक्शन करना शुरू है चालू है. इसके लिए कौन सी टीम बनाई है? इस कारण में हमने जिला लेवल में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया. SDPO राजुरा शेखर देशमुख का नेतृत्व में और उसके साथ में हमने 14 लोग दिया. ये 14 लोग मिलकर इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं.